2024 का डर है। भाजपा ने पूरे देश का बजट राहुल गांधी जी की छवि खराब करने में लगा दिया। अगर देश को बनाने में बजट लगाया होता तो देश अमेरिका से आगे निकल गया होता, क्योंकि मनमोहन सिंह जी ने जब डूब रही थी पूरे वर्ल्ड की अर्थव्यवस्था तब संभाल के इनको तीसरे पायदान पे दिया था। लेकिन ये नरेंद्र मोदी, वही नरेंद्र मोदी जो कम पढ़े लिखे है, जो भाजपा की ट्रोल मिनिस्ट्री राहुल गांधी जी को पप्पू बोलती है ना, उन मिनिस्टरों से मैं पूछना चाहता हूँ तुम्हारा क्या एजुकेशन है जो इतने पढ़े लिखे व्यक्ति को तुम पप्पू बोलते हो। आज एक बात बता दीजिए, अगर उन्होंने बोला ललित मोदी देश का पैसा लेके भागा, नीरव मोदी देश का पैसा लेके भागा, नरेंद्र मोदी अडानी की दोस्ती के अंदर देश को नीलाम कर रहे हैं, तो इसमें गलत क्या था? ये सोची समझी साजिश थी जिसके अंदर सरेआम पूरे देश को दिख रहा है, देश के युवाओं को दिख रहा है, देश की माता बहनों को दिख रहा है जो महंगाई की मार झेल रही है। कि एक अकेला सांसद, जो पूरे सांसदों में एक अकेला सांसद जो गरीबों की बात कर रहा है, महिलाओं की बात कर रहा है, महंगाई की बात कर रहा है, ललित मोदी, नीरव मोदी, अडानी की चोरी की बात कर रहा है, उसकी आवाज को दबाने का काम अगर कोई कर रहा है तो वो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं और उसके साथ टोल मिनिस्टर कर रहे हैं। और दूसरी बात, नरेंद्र मोदी की अपनी ताकत नहीं है, राहुल गांधी को दबा दें, उनके पीछे उनका रिमोट अडानी जी के पास है, अडानी जी जोन सा बटन दबाते हैं नरेंद्र मोदी जी वैसा नाच करते हैं, समझ रहे हैं मेरी बात को? तो ये जो राहुल जी को पप्पू कहते हैं ना, ये पप्पू आज आपको लगता है मोदी जी को तो मजबूत नेता माना जाता है। कैसा मजबूत नेता, कैसा मजबूत नेता? सुनिए मेरी बात, राहुल जी अगर मोदी जी के आगे कमजोर होते ना तो मोदी जी इतनी बड़ी साजिश नहीं रचते, ये छोटे छोटे बहाने निकाल के नहीं लाते उनको निष्कासित करने के लिए। बात सुनिए मेरी बात, सुनिए उनको, वो तो खुद प्रधानमंत्री चेहरा बनने की कोशिश कर रही है, मैं बंगाल के वो क्या राहुल जी बंगाल की मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं। प्रियंका गांधी जी ने जब सत्यग्रह संडे को हुआ, प्रियंका गांधी जी ने आप लोगों से भी तो अपील करिए, ये जो चैनल है सारे, कि आप लोग भी तो सही से बता दीजिए, अगर आप लोग सही से दिखा देंगे तो ये देश, ये जो लोकतंत्र आज मोदी जी कुचल रहे हैं, संविधान चुपर रहे हैं, नहीं अरे कुछ नहीं करती, आप ढंग से दिखाइए, हम तो जनता ही हैं, आप ढंग से दिखाइए, हम कौन खड़े हैं, हम जनता नहीं है, हम देश के युवा नहीं है, कोई प्यार नहीं करता। आज तो जनता बेरोजगारी से बेरोजगारी, महंगाई 1100 रुपए का सिलेंडर, सड़कों पे संघर्ष करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे, आपकी लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि आप भी महंगाई झेलते हैं, आपके परिवार की लड़ाई लड़ेंगे, आप भी युवा हैं, रोजगार की लड़ाई लड़ेंगे, आपकी जो आवाज कुचलने का काम कर रहे हैं, स्वतंत्र मीडिया की आवाज कुचलने का काम कर रहे हैं, इस आवाज को बचाने के लिए लड़ाई लड़ेंगे और सड़कों पर आंदोलन करेंगे और इसी तरह से आंदोलन करेंगे जब तक जेल भर, सुनिए जेल भरो आंदोलन, जेल भरो आंदोलन सुना था, जेल भरो आंदोलन सुना था, अंग्रेज भी थक गए थे, ये तो काले अंग्रेज हैं, ये तो काप जाएंगे, पसीने छुटा देंगे, इनके पसीने छुटा देंगे, जेल भरो आंदोलन की शुरुआत होगी और सभी कांग्रेसी कार्यकर्ता सबसे पहले जेल में जाएंगे और देश की लड़ाई को आगे मजबूती से लड़ेंगे। आज सांसद में बैठ के महंगाई की कोई बात नहीं करता, जब सन 2014 के अंदर 414 रुपए का सिलेंडर हुआ, स्मृति ईरानी लेके घूम रही थी, आज 1100 रुपए का सिलेंडर कहाँ स्मृति ईरानी की? मीडिया महंगाई की कोई बात नहीं करता, इसकी सदस्यता रद्द कर दो, उसकी सदस्यता रद्द कर दो,